आप सबको प्रणाम। आज हम राशिफल देखने वाले हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। इससे पहले कौन कौन से घर पे कौन से ग्रह बैठे हैं ये हम देख लेते हैं। आज कुंभ राशि है और कुंभ में चंद्रमा बैठे हैं और मेष में बैठे हैं शुक्र भगवान, ऋषभ में बैठे हैं सूर्य भगवान और बुध भगवान, और मिथुन में बैठे हैं मंगल भगवान और राहु भगवान, और वृश्चिक में बैठे हैं वृक्ष राशि में बैठे गुरु भगवान, धनुष राशि में बैठे शनि भगवान और केतु भगवान। तो आज का फल हम देखते हैं। अब इस साल का टोटल फल हम देख सकते हैं। इसमें शनि महाराज रेट्रोग्रेड जैसे कि वक्री हुए हैं 30 अप्रैल से लेकर 18 सितंबर तक, गुरु महाराज वक्री हुए हैं 10 अप्रैल से लेकर 11 अगस्त तक। तो इन दोनों वक्री ग्रह का क्या फल है आज देखते हैं। तो हम पहले मेष राशि का देखेंगे। मेष राशि जिसमें शुक्र भगवान बैठे हैं और दूसरे घर पे सूर्य भगवान और बुध भगवान जो पांचवें घर के होते हैं, और बुध भगवान बैठे हैं तीसरे घर के छठवें घर का, और तीसरे घर पे बैठे हैं मंगल और राहु, और नवें घर पे बैठे हैं शनि महाराज और केतु, और आठवें घर पे बैठे हैं गुरु भगवान। तो आपका जो गुरु बलन है बहुत कम है, बहुत कम दिख रहा है। और आपके जो दूसरे घर पे सूर्य महाराज और बुध भगवान बैठे हैं जिससे आपके जो जमीन या किसी के ऊपर गारंटी देना ये सब बंद कर देना चाहिए। आपको और 6 महीने तक रुकना पड़ेगा। आपके जो भी आपका जो मनी फ्लो रहेगा वो तो चलते रहेगा, लेकिन फिर भी मनी फ्लो में थोड़ी सी दिक्कत आने दिखाई देती है। तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें बदलिए मत। जो काम आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई नया अग्रीमेंट या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मत साइन कीजिए अभी के लिए, थोड़ा रुक जाइए। आप प्रति मंगलवार के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक कृष्ण भगवान का पूजा कीजिए, और शिव भगवान का जो भी अभिषेक हम जो भी है वो सब करते रहिए। सुबह गायत्री मंत्र पढ़िए तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। कोई किसी का गारंटी और किसी का जामीन मत दीजिए। और चौथे घर का जो चंद्रमा है आज आपको 11वें घर पे बैठा है, तो आपको जो भी जमीन खरीद सकते हैं वो खरीदना पड़ेगा 2 दिन के अंदर। और जो आपके लगन में जो शुक्र महाराज बैठे हैं दूसरे घर के और 7वें घर के, तो आप नई चीज़ें जो घर के अंदर जो भी हाउस होल्डिंग है वो सब आप बदलेंगे, अपनी गाड़ी का जो है वो सब कुछ करेंगे, और गाड़ी का जो भी बदलना है बदलेंगे, गाड़ी खरीद सकते हैं। सो आज का दिन आपको बहुत अच्छा है, और 6 महीने तक आपको या तो नई कॉन्टैक्ट और नए बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आगे क्या अगर आप बहुत जानना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अपने व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मैं पूरा आपकी जन्म कुंडली के बारे में बता दूंगा, ठीक है। और अभी चलेंगे ऋषभ राशि का। ऋषभ राशि का राशि के 12वें घर पे शुक्र भगवान बैठे हैं, तो आपको यहाँ पे समर वैकेशन के जरिए बाहर जाना पड़ेगा, काम के जरिए आपको फॉरेन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज और यूएस में जाना पड़ेगा, नए चीज़ों पर खर्चा आएगा, नए कपड़े खरीदेंगे, नए जेवर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। आपके राशि में सूर्य भगवान के 4वें घर का सूर्य भगवान बैठा है, और दूसरे घर का बुध भगवान और 5वें घर का बुध भगवान बैठा है, तो आपका मनी फ्लो अच्छा रहेगा। आप जो भी कॉन्टैक्ट करना है साइन करना है कर सकते हैं। आपको 6 महीने के लिए बहुत अच्छा है। जब तक रेट्रोग्रेड रहेगा तब तक शनि महाराज आपको 7वें घर से दिखाई देता है, गुरु भगवान भी 7वें घर से दिखाई देता है, तो आपको बहुत बढ़िया इसमें जो है रिजल्ट जरूर अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, और आप ऋषभ राशि आगे के 6 महीने तक बहुत अच्छे हैं। आप जो भी लगातार करना है करते रहिए। अभी आप जाएंगे मिथुन राशि का। मिथुन राशि में है, मिथुन राशि के 7वें घर पे शनि महाराज बैठे हैं और मिथुन राशि में मंगल भगवान बैठे हैं। आपको तो बहुत गुस्सा आ रहा है आज के दिन में, आप बेमतलब का झगड़ा कर रहे हैं। 12वें घर पे सूर्य महाराज और बुध भगवान आपके जो राशि के जो भगवान है वो भी 12वें घर पे बैठा है 3वें घर के साथ, तो आपको घूमना फिरना बात करना उसमें खर्चा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा खर्चा अभी चलता रहे, तो आपको खर्चा बहुत कंट्रोल में रखना पड़ेगा। 11वें घर पे आपको 12वें घर पे और 5वें घर का जो पूर्व पुण्य स्थान बैठा है, तो पूर्व पुण्य स्थान के ऊपर आपको खर्चा आने की बहुत बहुत चांसेस है। 7वें घर पे शनि महाराज बैठे तो आपके फैमिली के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आप अपना जन्म कुंडली भेजिए हॉरोस्कोप में, आप कंसल्ट कीजिए, और अपने जन्म कुंडली में कौन सी दशा बुद्धि अंदर चल रहा है उसके हिसाब से आपको बलन जरूर ठीक से मिल सकता है। अभी हम जाएंगे कड़क राशि का। कड़क राशि का जो 12वें घर पे है मंगल और राहु, और 11वें घर पे सूर्य भगवान और बुध भगवान,
और दसवीं घर पे शुक्र भगवान। सो कर्क राशि का ग्यारहवें घर का जो मालिक है शुक्र भगवान, वो दसवीं घर पे बैठा है, तो आपको लाभ होगा, आपके काम में बिजनेस बहुत अच्छी चलेगी। और आपकी जो छठे घर पे जो शनि महाराज है, आपके जो जेनिमी है कॉम्पिटिटर से सबको गिराएगा। और बारहवें घर पे जो मंगल भगवान है, जो है आपके पाँचवें घर का और दसवें घर का, बारहवें घर पर, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे आदमी को आपको जान पहचान होंगे, उसमें राग बैठा है, तो आपको जरूर फॉरेन ट्रैवल्स होगा, फॉरेन टूर हो सकता है, फॉरेन में जाके आपको अपना टाइम बिता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। और पांचवें घर पे जो आपको जो गुरु महाराज बैठे हैं नवे घर का, तो आपको जो मंदिर वगैरह स्पिरिचुअल यात्रा से इसमें खर्च हो सकता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि, सिंह जो है उनके जो भगवान है सूर्य भगवान, वो दसवें घर पे बैठे हैं, बुद्ध के साथ बैठ के ग्यारहवें घर के साथ, दसवें और ग्यारहवें के दोनों मिलकर बैठे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम आपको चल रहा है। ग्यारह में मंगल और राहु है, बहुत लाभ देंगे। और नौवें घर पे शुक्र महाराज बैठे हैं, तो पांचवें घर पे शनि महाराज और केतु बैठे हैं, जो आपको जो पूर्व पुण्य स्थान और जो कुलदेव कहते हैं उसमें जो वर्शिपिंग है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। चौथे घर पे जो गुरु भगवान है, वो आगे और जमीन घर बनाना ये सब चीज़ें के लिए लोन सब मिल सकता है। आप आगे की जो गाड़ी जो खरीदना है गाड़ी खरीद सकते हैं, आगे जो भी प्रॉपर्टी खरीदना खरीद सकते हैं। आपके लिए जो टाइम है वो शुभ का टाइम चल रहा है, तो आप ये जो 6-6 महीने का जो टाइम है आप बना सकते हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ करना है, कुछ कॉन्टेक्ट में साइन करना है, आपके जन्म कुंडली आप भेजिए और अपना कंसल्ट करिए, जरूर आपको मैं 100% रिजल्ट दे सकता हूँ। तो इसमें अगर आपको जिम के बारे में भी जानना है या रुद्राक्ष के बारे में जानना है या यंत्र के बारे में जानना है, तो हम तीनों के हैंडल कर रहे हैं। तीनों का जो यंत्र हो या रुद्राक्ष हो या जम हो, हम लोग खुद इंपोर्ट करके खुद रिंग बना के उसका जो प्रदर्शन करके मंदिर में प्रदर्शन करके देते हैं। तो आप सब कुछ आपको सीधा सीधा हाथ में डिलीवरी मिल जाएगा, बस आप ऑर्डर कीजिए और ज़रूर इस वीडियो को देख कर आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो भी जन्म कुंडली, जो भी आपको जो है मैरिज लाइफ है, ये बच्चा है, ये सब चीज़ें के लिए आपको लाभ मिलेगा। तो आगे हम बढ़ेंगे कन्या राशि के लिए चौथे घर पे शनि महाराज वक्र हुए हैं, तीसरे घर पे चौथे घर पे गुरु महाराज वक्र होकर तीसरे घर पे आए हैं, और चौथे घर पे केतु महाराज हैं, दसवें घर पे मंगल और राहु है, नवे घर पे सूर्य भगवान और बुद्ध भगवान, जो आपके बारहवें और दसवें घर के हैं, तो और आठवें घर पे शुक्र महाराज है, जो दूसरे घर के। तो अभी आपको कुछ खर्चा जो है कंट्रोल में रखना पड़ेगा, आपको जो मनी फ्लो है अभी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर फाइनेंस कर रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो तो हाथ में नहीं आएगा, आपका हालत सेहत में बहुत ध्यान पड़ना पड़ेगा। चौथे घर पे शनि महाराज आपको जल्दी टायर्ड हो जाएगी, चौथे घर पे जो खेतु है वो भी आपको बहुत खुशी, आपके घर की खुशी को बिगाड़ने की बहुत प्रयत्न में है। तो कन्या राशि के वाले जरूर अपना जो कुंडली आप दिखाइए, जन्म कुंडली, और उसका जो भी रिजल्ट रेमेडी है वो तुरंत कीजिए, 6 महीने तक उसको वेट मत कीजिए, आगे बहुत बिगड़ने वाला है। अगला है तुला राशि वाले जो शुक्र भगवान है जो सातवें घर पे बैठा है, और जो भी तुला राशि उनका जो मैरिज है वो जब जो मैरिज जो होने वाले हैं उस समय तुरंत होगा। आठवें घर पे आपको सूर्य महाराज और बुध महाराज, आपका सेहत में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, गाड़ी में आपको बहुत धीरज रख के जाना पड़ेगा, आपको आपके पिता का जो हालत है वो थोड़ा सेहत में ध्यान देना पड़ेगा। नवे घर पे है मंगल और राहु, तो आपके पिता के साथ आपका जो इंट्रैक्शन है उसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता है, तो आपकी जो पिताजी का जो सेहत है वो सब देखना पड़ेगा। और आपके तीसरे घर पे शनि महाराज है, वो तो बहुत आपका जो ये जो करेज है आपका सब कुछ बढ़ेगा, प्रयत्न बढ़ेगा, एफर्ट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ सकते हैं। आपके दूसरे घर पे जो गुरु महाराज है, तीसरे और सातवें घर का आपको जरूर लोन लेने का जो अभी जो आइडिया है वो सक्सेस हो सकता है। तो आगे हम जाएंगे वृक्ष राशि का। सो स्कॉर्पियन वृक्ष राशि वाले को जन्म में गुरु है, जन्म गुरु वो उतना अच्छा नहीं होता। दूसरे घर पे शनि महाराज है, जो आपको जो सदास्थिति चल रही है। दूसरे घर पे केतु है और छठवें घर पे शुक्र है और सातवें घर पे सूर्य और बुध है, आठवें घर पे मंगल और राहु है। मैं वृक्ष राशि वाले को बहुत स्ट्रॉन्ग से स्ट्रिक्ट कहता हूँ कि अभी जो सर्जरी होगी आपकी, या तो आपकी जो मेडिकल में है, या तो आपका जो झगड़ा है, लिटिगेशन है, सबसे बिगड़ जाएगा। वृश्चिक राशि को बहुत बिगाड़ रहा है अभी करंट ट्रांसिट, सो आप जरूर इसका जो रेमेडी है देखिए, मेरे को कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, मैं जरूर मैं आपको रेमेडी दिखाऊंगा। 100% रिजल्ट है, मैंने बस बहुतों को रेमेडी दिया हूँ,
ये जो हमारा ये जो तीसरे जन्म का जो एस्ट्रो जो सर्विस है बहुत सक्सेस की है मैंने। आप जाके मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत वीडियोस मैंने किया है, तो मैंने आगे इंडिया को इंडिया तक किया है, बाहर भी किया है, तो सब कुछ किया, तो आपको देखिए जरूर आपको एक रिजल्ट मिलेगा। तो वृश्चिक राशि, बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा आपको, गाड़ी में चाहे जाए आपके सेहत में जो भी है जरूर जाके चेकअप कर लीजिए, टोटल बॉडी चेकअप कर लीजिए, छोटा सा भी अगर आपको सर्दी आए जाके आप चेकअप कर दीजिए, क्योंकि आपका सेहत बिगड़ सकता है। आगे हम जाएंगे, अगर मकर आगे चलिए धनुष राशि का। धनुष राशि में जन्म में शनि है, केतु है, साथ में घर पे राहु है, साथ ही घर पे मंगल है, छठवें घर पे सूर्य है और बुध है, पांचवें घर पे शुक्र महाराज है। धनुष राशि को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो बात मत कीजिए उसको, आप बात मत बढ़ाइए, छोड़ दीजिए उसे। आपके जन्म में शनि है, आपको पैसा तो आएगा लेकिन पैसा हाथ में नहीं आएगा, खर्चा हो जाएगी, आपको मंदिर के ऊपर खर्चा होगा या तो पूजा पाठ के ऊपर खर्चा होगा। सातवें घर पे मंगल है पांचवें घर का, तो बच्चों से आपको थोड़ा दुख होगा, बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन तो ठीक नहीं रहेगा, बच्चे आपके जो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, तो बच्चों के साथ थोड़ा आपको ये देना ध्यान में रखना पड़ेगा। और छठवें घर पे जो सूर्य महाराज, नौवें घर का महाराज बैठे, तो आपके पिता भी आपको समझ भी नहीं सकते, तो धनुष महाराज जो है जो जन्म शनि चल रहा है वो भी आप थोड़ा तो कांटेक्ट कर लीजिए, जन्म शनि जन्म आपका पत्रिका मुझे भेजिए, कुंडली भेजिए, मैं थोड़ा आपको जो अभी करंट में जो दिशा अंदर चल रहा है उसको मैं ध्यान देख के बताता हूँ। आगे हम बढ़ेंगे मकर राशि। मकर राशि का शनि 12वें घर पे सदाशिति के आरंभ में है, उसके साथ केतु है, 11वें घर पे गुरु भगवान है, बकरी हुए हैं, 5वें घर पे सूर्य भगवान और बुध हैं, 8वें घर के सूर्य भगवान 5वें घर पे हैं, और 4th हाउस में है आपका वीनस शुक्र भगवान, और 6th हाउस में है आपके मंगल और राहु। धनुष राशि के लिए, मकर राशि के लिए अभी 5वें घर पे जो बैठा है सूर्य भगवान तो पूर्व पुण्य शनि बिगड़ रहा है, पूर्व पुण्य में जो भी लिटिगेशन है आपका जो जमीन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम चला है उसको अभी के लिए रोक के रखिए, सूर्य महाराज वहाँ से हटने दीजिए, बुद्ध महाराज वहाँ पे 5वें घर पे बैठा वो ठीक है, छठे घर चौथे घर पे वीनस बैठा वो ठीक है, 11वें घर पे गुरु बना ठीक है, लेकिन 12वें घर पे जो शनि महाराज बैठा आपका खर्चा बहुत बढ़ रहा है। तो मकर राशि का क्या करना, क्या मीडिए, कौन सा स्टोन पहना, ये सब आप अपने जन्म कुंडली भेजिए, मैं तुरंत बता देता हूँ। आगे बढ़ेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो शनि महाराज है 11वें बैठा है बहुत अच्छा है, 11वें खेत में बहुत अच्छा है, चौथे घर तीसरे घर पे शुक्र महाराज है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9वें घर पे देखा है वो कोई प्रॉब्लम नहीं, चौथे घर पे जो शुक्र सूर्य ग्रह और बुध बैठा वो भी ठीक है, 5वें घर पे जो मंगल बैठा है वो थोड़ा दिक्कत दे रही है बच्चों के जो सेहत में दिक्कत दे रही है, राहु बैठा तो आप थोड़ा ध्यान में दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे लास्ट राशि मीन राशि। मीन राशि में वाले को जो गुरु भगवान 9वें घर पे और 10वें घर पे वक्र हुए हैं, 10वें घर पे जो शनि महाराज है थोड़ा सा कामकाज में जो आपके जो ऑफिसर्स है या जो आपके नीचे काम करने वाले हैं उनसे थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है, उनसे थोड़ा आप सावधान रहिए, केतु महाराज वहाँ पे बैठा थोड़ा कन्फ्यूजन है, लिटिगेशन है, चौथे घर पे आपके मंगल और राहु बैठा है तो आपके दूसरे आपका जो बातचीत आप करते हैं उसको थोड़ा हार्श मत कीजिए, कामकाज में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको जो भी डाउट है अपना जो जन्म कुंडली भेजिए, मैं तुरंत मैं आपको बताता हूँ कौन से जन्म लेना पड़ेगा, और जम के बारे में पूरी की पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी, क्यों जम पहना पड़ेगा, कौन से कैरेट में कितना कैरेट में चांदी में पहनने या सोना में पहने या पंचलोक में पहनना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैं बताऊँ, मैं तीनों बनाता हूँ पंचलोक चांदी और सोना, तो तीनों में बन जाएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी इमीडिएटली व्हाट एवर इट इज हैपन, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए, तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मीन राशि वालों से खत्म होता है, मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।